अभी जिन्हें लोग ऐसे बैठे हैं मैनू अपने आप तीन डी फॉलो कर पैणगे डिसिप्लिन डेडिकेशन डायलॉग जिस पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है जिस कारोबार के अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो वर्क फुल नहीं सकता तो अगर किसी भी काम के लिए डेडिकेशन आ जाए तो मैनू लगता है कि उस काम को कामयाब होने तो कोई रोक नहीं सकेगा किसी ना लॉयलत ना करे वो आपके मन मर्जी की रणनीति बनावे और अगर मैं अपने मन मर्जी की रणनीति बनावांगा तो मेरा ख्याल फिर अभी कामयाबी वाल वध नहीं सका इन्हों चुनौतियां से जित प्राप्त कर ले सानू अपने आप असि जिन्हें लोग इतने बैठे हैं मैनू अपने आप तीन डी फॉलो करने पैणगे डिसिप्लिन डेडिकेशन डायलॉग सब तो महत्वपूर्ण गल है आज अगर असि दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी नू मजबूती दे वल लेके जाना चाहुंदे ना केवल कांग्रेस पार्टी नू चाहे कोई कारोबारी होवे चाहे कोई बिजनेसमैन होवे कोई व्यक्ति होवे जिस व्यक्ति दे अंदर डिसिप्लिन नहीं है जिस पार्टी दे अंदर डिसिप्लिन नहीं है जिस कारोबार दे अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो वर्क फुल नहीं सकता सो इस करके मैं कहा कि तीन डीज जेडे सानू आपके जीवन दे विच अपनाने पैणगे अगर असी कामयाबी वल वधना चाहुंदे दूसरा डी डेडिकेशन कि किन्नी थोड़े च डेडिकेशन है किन्नी लगन है किन्नी लगन दे नाल तुसी आपका कम संभालदे बेशक कोई भी किता है सो अगर किसी भी काम दे विच डेडिकेशन आ जाए तो मैनू लगता है कि उस काम नू कामयाब होने तो कोई रोक नहीं सकेगा फिर तीजा में क्या डायलॉग डायलॉग तो मतलब है थोड़े विचार तुहाडी गल आम जनता की गल लोगों की गल कांग्रेस कार्यकर्ता की गल कांग्रेस का जेड़ा झंडा फड़के चौंक छड़ा वो गरीब व्यक्ति जेड़ा हमेशा कांग्रेस पार्टी की उच्ची सोच वास्ते लड़ाई लड़ता है कामना करता है अरदासा करता है ओरे नाल डायलॉग ओनू पुछ के ते आपस में एक मेल मिला के सब लोगों का यह नहीं कि अगर राजा बड़ी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुखिया है तो वह किसी नाल डायलॉग ना करे वह आपके मन मर्जी की रणनीति बनावे और अगर मैं आपके मन मर्जी की रणनीति बनावांगा तो मेरा ख्याल फिर असी कामयाबी वल वध नहीं सकांगे।